हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे सब कोई परेशान है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, या पढ़ने वाले हैं या जॉब करने वाले, हर कोई उससे परेशान है। और वो प्रॉब्लम है हेडेक, यानी कि सिर दर्द। तो हेडेक क्यों होता है, कैसे होता है, उसको ठीक कैसे किया जाए, होम रेमेडीज क्या है जिससे हम उस जिस को करने से हम हेडेक से बच सकें, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं हेडेक क्या है। हेडेक है हमारे मसल्स का खिंचाव, हमारे सिर में, हमारे माथे में, आंखों के चारों तरफ अगर मसल्स खिंचते हैं तो वो एक दर्द की सेंसेशन देते हैं, उसको हेडेक कहते हैं। मसल्स किसी भी कारण खींच सकते हैं, एंग्जाइटी है तो भी खींचेंगे, बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत खुशी है तो भी खींच जाते हैं, कोई स्ट्रेस है तब भी खींचेंगे, और जैसे ही मसल खींचेंगे यहाँ के तो आपको हेडेक होना एक आम बात है। और जैसा कि मैंने कहा, छोटे से लेकर बड़े तक किसी को भी हो सकता है, आप छोटे बच्चे भी हैं, पढ़ रहे हैं, उनको नहीं याद हो रहा है, बार बार याद करने के बाद भी नहीं याद हो रहा है तो उनको भी सिर दर्द हो जाएगा, है ना। तो चलिए पहले बात करते हैं कि सिर दर्द के कारण क्या क्या हैं। सिर दर्द एक्चुअल में अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी के कारण हो जाता है। और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, एक तो स्ट्रेस सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस से आपके सारे मसल्स टेंस होंगे, जैसे जैसे मसल्स टेंस होंगे आपका हेडेक शुरू हो जाएगा। एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, कुछ काम करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्या करें कैसे करें, और वो एंग्जाइटी से आपके मसल्स टाइट हो जाएंगे और आपको हेडेक हो जाएगा। आप पढ़ने बैठे हैं, याद नहीं हो रहा है, हेडेक हो सकता है उससे भी। बहुत तेज लाइट में चले गए, अचानक से आपके सामने बहुत तेज लाइट आ गई तो उससे भी हेडेक हो जाएगा। ज्यादा देर तक टीवी देख लिया, हेडेक हो सकता है। अगर आप बहुत डिम लाइट में काम कर रहे हैं तो आपके आंखों पर, आपके सिर में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, वो भी एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है। जुकाम हो जाए, सिर भारी भारी लगेगा और सिर में दर्द हो जाएगा, बुखार में भी सिर दर्द हो जाता है। किसी को बीपी लो है या हाई है, दोनों ही कंडीशन में सिर दर्द हो सकता है। इवन डायबिटीज वालों को भी सिर दर्द की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। माइग्रेन बहुत बड़ा कारण है सिर दर्द का। आपको नींद नहीं आई, सुबह सिर भारी भारी रहेगा और सिर में दर्द हो सकता है। कोई भी स्ट्रेस, किसी तरह की चिंता, काम की चिंता हो, चाहे कि सुबह ये काम करना है, पता नहीं कैसे होगा, सुबह वहां जाना है, पता नहीं टाइम से निकल पाएंगे कि नहीं, ऐसी जो एंग्जाइटी और चिंताएं हैं ये भी सिर दर्द का कारण बन जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन, बहुत दर्द होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसको सिर दर्द हो जाता है। अभी मेरी एक फ्रेंड है, मेरे पड़ोस में ही रहती है, वो कहती मैं जब मेरे को कॉन्स्टिपेशन, एक कंटिन्यूस कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जब मैं मॉर्निंग में प्रेशर लगाती हूँ, ऐसे करती हूँ तो मेरे यहाँ पर जो है बहुत दर्द होता है, तो कॉन्स्टिपेशन से भी सिर में दर्द हो जाता है। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए, थोड़ी देर में आप चिढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसका क्या असर होगा, सारे मसल्स टेंस हो जाएंगे। कोई काम है, आप बाहर चले गए, धूप में निकले, धूप में निकलने से आप, अगर आपने सिर के ऊपर कुछ ढका नहीं हुआ है तो भी आपके मसल्स के ऊपर बहुत इफेक्ट आएगा और वो टाइट होंगे और टेंस होके उनमें दर्द हो जाएगा। अगर आप टाइम पर खाना नहीं खाते, जैसे मेरे साथ होता है, मेरा खाने दोपहर का लंच का टाइम होता है 2 बजे का, अगर मैं 2 से 2:30 के बीच में लंच ना करूं तो हल्का हल्का करके मेरे सिर में दर्द होना शुरू होता है और शाम तक वो दर्द बहुत तेज हो जाता है। तो अगर आपने टाइम पर खाना नहीं खाया तब वो भी हेडेक का एक कारण बन सकता है। तो देखिए कितने सारे कारण है हेडेक के। हेडेक को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले उसके कारण का पता होना चाहिए। जैसे मैं, मुझे पता है कि मैं लंच नहीं करूंगी टाइम पर तो मुझे सिर दर्द होगा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पर लंच करूं, अगर नहीं लंच कर सकती हूँ तो मैं अपने साथ में एक केला रखती हूँ उस टाइम पर, और लंच के टाइम पर वो एक केला खा लेती हूँ ताकि मुझे सिर दर्द नहीं हो। तो इसी तरीके से सिर दर्द किस कारण से हो रहा है उसका पता लगाएं और उस कारण को दूर करने की कोशिश करें, सिर दर्द दूर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं होम रेमेडीज की, अगर हो भी गया है तो उनको कैसे ठीक किया। अगर किसी को हेडेक का ऐसा प्रॉब्लम है कि क्रॉनिक टाइप है, उसको थोड़ी सी बात में हेडेक हो जाता है, कुछ भी हुआ हेडेक हो गया, मैंने इतने सारे कारण बताए, कोई भी एक कारण हुआ हेडेक हो गया और लगभग रोज ही हेडेक हो जाता है किसी ना किसी कारण से, तो ऐसे लोगों को त्रिफला चूर्ण में मिश्री मिलानी चाहिए। मिश्री रस्सी वाली जो होती है, त्रिफला चूर्ण में मिश्री मिला लें, 1 चम्मच चूर्ण में आधा चम्मच मिश्री मिलाएं और उसको सोने से पहले गर्म दूध के साथ पी लें। गर्म दूध में घोलना नहीं है, आपने उसको पहले खाना है फिर ऊपर से दूध पीना है।
तो ऐसे लोगों को जिनको बार बार सिर दर्द होता है उनको बहुत राहत इससे मिलेगी, क्योंकि त्रिफला अंदर जाने के बाद एक तो डाइजेशन में मदद करेगा, दूसरा वो मसल्स को रिलैक्स करेगा, उसके अंदर आंवला है, विटामिन सी काफी मात्रा में होता है, और उसमें जो तीनों ही चीजें हैं, चाहे वो हेड है, बहेड़ा या आंवला, वो मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स को रिलैक्स करेगा, रिलैक्स होने से नींद अच्छी आएगी और सिर दर्द सुबह तक अपने आप गायब हो जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो सिर दर्द का जो एक बार बार होने की आदत पड़ गई है वो दूर हो जाएगी। अचानक से सिर में दर्द हो गया, हो सकता है आपका इनडाइजेशन से हो रहा हो या हो सकता है किसी और कारण से, तो सिर दर्द अगर ऐसे अचानक से हो जाता है तो गुनगुने पानी में आधा चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर मिला के वो पी लें, 10-1 मिनट के अंदर अंदर आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत तेज दर्द है, सुबह से आप ऐसे करके बैठे हुए हैं, क्या करें क्या करें, ऐसे में अगर आप नींबू की चाय बनाते हैं, मतलब आपने सिर्फ सिंपल पानी उबाला, उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाली, थोड़ा एक लौंग डाल दी और उसको उबलने के बाद गैस बंद करके उसमें नींबू मिलाया और उसको अगर आप सिप सिप करके पीते हैं तो सिर दर्द बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। है ना, आसान आसान से तरीके, घरेलू नुस्खे हैं, बस हमें पता होना चाहिए कैसे करना है और हम उसको आराम से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात मैं आपको बताती हूँ कि सिर दर्द को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। मान लो सुबह से आप बैठे हुए, आपके सिर में दर्द हो रहा है हो रहा है, मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि सिर दर्द अगर है तो आप दवाई खा लें, क्योंकि कोई भी पेन किलर खाने से उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और कुछ लोगों की आदत है हल्का सा सिर दर्द हुआ नहीं कि डिस्प्रिन खा लिया, क्रोसिन खा लिया, पैरासिटामोल खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप एक चुटकी नमक, अगर रॉक सॉल्ट है तो बहुत ही अच्छा, पिंक वाला है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो नॉर्मल नमक लें, उसको टंग पर रख दें, 1 मिनट के लिए टंग पर उसको रखें, उसके बाद ऊपर से आप ठंडा पानी पी लें, वो नमक आपकी जीभ के ऊपर डिजोल्व हो चुका है, ऊपर से आप ठंडा पानी पी लें तो कुछ ही सेकंड्स में आपका सिर दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। सिर दर्द होने पर यहां से ये नसों को हल्का हल्का दबाएं, यहां से दबाएं और यहां से दबाएं, ये दो जगह पर जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये दबाने से भी आपका सिर दर्द, जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द हो जाता है उनके लिए एक बहुत ही रामबाण होममेड पाउडर है, आप वो बना के रख लें, वो आपके जितने भी यहाँ की नसें हैं उनको बहुत स्ट्रेंथ देगा, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा और उनको उनका जो ऑक्सीजन फ्लो है वो भी बढ़ेगा, तो दर्द अपने आप ही गायब हो जाएगा। और वो क्या चीज है, नारियल, सूखा वाला नारियल जिसको हम लोग गोला भी बोलते हैं, खोपरा बोलते हैं, वो नारियल आप लें और उस नारियल में मान लो आपने 100 ग्राम नारियल लिया तो 25 ग्राम मिश्री, रस्सी वाली मिश्री, उसको अच्छे से कूट के रख लें, मिक्सी में नहीं पीसना है, आपने कूट के रखना है, अच्छे से कूट के रख लें, बारीक पाउडर उसका बना लें और उसको 2 चम्मच वो पाउडर डेली खाएं, सुबह खाएं या रात को खाएं वो आपकी मर्जी है, वो आपको बहुत फायदा देगा। इससे ब्रेन भी तेज होता है, ब्रेन शार्प होता है, मेमोरी शार्प होती है, ये बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ एक आसान आसान सी चीजें हैं जिनको आप अपना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अपनी हेल्थ के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े तो कोई बात नहीं, आप इन चीजों को अपना के देखिए, सिर दर्द आपके पास आएगा ही नहीं। वो कहते ना कि ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग, तो इसे गायब करें, आप खुश रहें हमेशा और टेंशन को परे करके रखें, स्ट्रेस को परे करके रखें, टेंशन और स्ट्रेस से कोई काम नहीं बनता, काम बनता है उसके लिए सॉल्यूशन निकालने से। तो ये आदत डालें कि टेंशन नहीं पालनी है, सॉल्यूशन निकालनी है, सॉल्यूशन निकालते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तरक्की करते रहिए और खुश रहिए। खुश रहते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।